नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नामिका पोरवाल और आप सभी का स्वागत है दैनिक जागरण के संस्कार शाला में। आज की कहानी का नाम है घमंड का चक्रव्यूह, जिसे लिखा है अशोक जमनानी जी ने। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, जयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा बहुत दयालु और जनप्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान ना थी। एक दिन बूढ़े मंत्री ने उन्हें सुझाव दिया, क्यों ना वन में आश्रम बनाकर रह रहे कुलगुरु के पास जाकर आशीर्वाद ले लें। राजा को मंत्री का यह सुझाव पसंद आया और वे रानी के साथ कुलगुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। कुलगुरु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और चलते समय उन्हें संतान होने का आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा ने सोचा कि इसकी शिक्षा सर्वोत्तम होनी चाहिए। उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि 5 ऐसे व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, दूसरा सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हो, तीसरा श्रेष्ठ तलवार चलाने वाला हो, चौथा मल्लयुद्ध में निपुण हो और 5वां सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार हो। सेनापति ने कुछ ही दिनों में ऐसे 5 लोगों को तलाश लिया। राजा ने उन्हें सम्मान के साथ राजकुमार का आचार्य नियुक्त किया। राजकुमार जब युवा हुआ तो वे देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, घुड़सवार, मल्लयुद्ध यानी कुश्ती में निपुण, श्रेष्ठ गदाधारी तथा सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन चुका था। लेकिन साथ ही वह घमंडी भी हो गया था। वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। कोई उसके सामने सिर उठाकर बात नहीं कर सकता था। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर ही रहता था। कुछ चापलूसी करने वाले दोस्तों ने उसे गलत आचरण का अभ्यस्त भी बना दिया था। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसके घमंड के बारे में बातें होने लगी। वे बातें जब राजा के कानों तक पहुंची तो वह हैरान रह गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मुझे राजकुमार को लेकर कुलगुरु के आश्रम जाना चाहिए, क्योंकि वही राजकुमार को सही रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन राजकुमार ने वहां जाने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा, वहां एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही राजकुमार का अहंकार जाग उठा। उसने कहा, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। राजा ने कहा, यदि वे तुमसे श्रेष्ठ ना हुए तो अपना सारा राजपाट तुम्हें सौंप कर संन्यास ले लूंगा। राजकुमार ने उनकी बात मान ली। जब वे कुलगुरु के आश्रम पहुंचे तो राजकुमार कुलगुरु की दुबली पतली काया को देखकर हंसने लगा। उसने कहा, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, घुड़सवार, सानी नहीं हूं। आप कहते थे आपके कुलगुरु मुझसे श्रेष्ठ हैं, जबकि ये तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। कुलगुरु ने हंसकर कहा, तुम ठीक कहते हो राजकुमार, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ हो। राजकुमार ने कहा, आप चाहें तो मेरी परीक्षा लेकर देख लें। कुलगुरु ने कहा, ठीक है, यदि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तो वायु को भेद कर दिखाओ, गदा युद्ध में निपुण हो तो सामने जल रही अग्नि को पराजित करो, तलवारबाजी जानते हो तो नदी को काट कर दिखाओ, अच्छे घुड़सवार हो तो तुम्हारे सामने जो पृथ्वी है इसे पीछे छोड़कर बताओ, और यदि तुम सबसे अच्छे पहलवान हो तो आसमान को नीचे गिराकर दिखाओ। उनकी बातें सुनकर राजकुमार हंसने लगा। उसने कहा, मैं तो क्या, संसार का कोई भी योद्धा ये काम नहीं कर सकता। कुलगुरु ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा और कमजोर हूँ, लेकिन ये सारे काम आसानी से कर सकता हूँ। राजकुमार ने कहा, यदि आपने ये सब करके दिखा दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। कुलगुरु मुस्कुराए, उन्होंने एक तीर उठाया और अपनी मुट्ठी बांधकर कहा, देखो मेरी मुट्ठी में वायु है और मैं इसे तीर से भेद देता हूँ। उन्होंने अपनी मुट्ठी के ऊपर हिस्से में तीर रखा और कहा, देखो मैंने वायु को भेद दिया। फिर उन्होंने कहा, गदा से अग्नि को पराजित करना है तो लकड़ी पर प्रहार करो। लकड़ियों पर प्रहार करते ही अग्नि बुझ गई। इसके बाद उन्होंने तलवार उठाई
और नदी के किनारे को काटा तो नदी दो भागों में विभक्त होकर बहने लगी। उन्होंने कहा, देखो तलवार ने नदी को काट दिया। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी से आगे निकलना चाहते हो तो अपने घोड़े का मुंह मोड़ लो। घोड़े का मुंह मोड़ते ही तुम्हारे सामने जो पृथ्वी है वह पीछे छूट जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक थाली में पानी भरा और कहा, इसमें देखो। जल में आकाश दिख रहा था। गुरु ने कहा, मैंने आकाश को नीचे गिरा दिया। राजकुमार आश्चर्यचकित सा में रह गया। उसने कहा, मुझे लगता था कि शरीर की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कोई और शक्ति है जो सबसे बड़ी होती है। कुलगुरु ने प्रेम से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, वह शक्ति ज्ञान की है। वह ज्ञान जो सत्य है वह स्वयं ईश्वर की तरह ही होता है, लेकिन यह ईश्वर स्वरूप हृदय में काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष ये सब ना हो। अब राजकुमार के घमंड का चक्रव्यूह नष्ट हो चुका था। वह जब लौट कर राजधानी गया तो उसका हृदय ज्ञान से परिपूर्ण था। अब उसके पास शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी था। राजा ने कुछ समय बाद उसे राजगद्दी सौंप दी। वह एक ऐसे प्रजापालक राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ जो सभी दुर्गुणों से मुक्त होकर ऐसा हृदय धारण करता था जिसमें ज्ञान रूपी वह सत्य था जो ईश्वर सदृश था। तो ये रही आज की कहानी। तो मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।